हमारा एक ही उद्देश्य, हर मुद्दा हर खबर विशेष, ना छूटे कोई गली कोई कोना, अब हर खबर से है आपको रूबरू कराना। खबर आपकी, जागरूकता हमारी, देखते रहिए आर सोनी न्यूज, खबर आपकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मालवीय नगर विधानसभा के हौजरानी में सिलाई सेंटर का शुभारंभ किया गया। जी हां, आपको बता दें कि सिलाई सेंटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में अर्जुन गुप्ता फाउंडेशन की तरफ से खोला गया, जिसमें कि आपको बता दें कि दिल्ली प्रदेश की सह प्रभारी अलका गुज्जर और दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष राजन तिवारी के साथ साथ नई दिल्ली की महिला मोर्चा मंत्री पूनम गुप्ता यहाँ पर मौजूद रही और बीजेपी के कई कार्यकर्ता और मंडल के कई लोग भी यहाँ पर मौजूद रहे। साथ ही साथ इलाके के लोग भी यहाँ पर मौजूद है। रविदास मंदिर के अंदर इस सिलाई सेंटर की जो शुरुआत है वो करी गई है, जिसमें कि यहाँ पर 6 मशीनें जो हैं वो लगाई गई हैं। साथ ही साथ महिलाओं को सिखाने के लिए यहाँ पर जो मास्टर होते हैं उनको भी यहाँ पर रखा गया है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अर्जुन गुप्ता फाउंडेशन की तरफ से ये शुरुआत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में करी गई। आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो पहुंची हैं और आत्मनिर्भर बनाने का जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिया गया है उसमें लगातार पूनम गुप्ता भी अपनी भागीदारी निभा रही हैं। और उसी क्रम में रविदास मंदिर के अंदर इस सिलाई सेंटर का जो शुभारंभ है वो किया गया, जिसमें ये तमाम हस्तियां पहुंची और उन्होंने अपना समय निकाला कीमती समय। और मैं आभार व्यक्त करूंगा इस मंदिर के जो हमारे सदस्य हैं, हमारे अध्यक्ष जी साथ में जुटाने लक्ष्मी नारायण जी, उनका हमारे जो कमेटी के सदस्य उनका भी, जिन्होंने पूनम जी को और पूनम जी का भी आभार, जिन्होंने ऐसी सोच रखी कि 6 सिलाई मशीन और अपने मास्टर जी उनके यहाँ रहेंगे और हम सप्ताह में 2 दिन। माननीय मोदी जी का जन्म दिवस जो 17 से 7 तक सेवा और समर्पण के टाइटल के साथ हम लोग मना रहे हैं, क्योंकि मोदी जी पहला नेता था जिनकी नीति नियम और मंशा उस तरह की है, जो अभी जो नारों में गरीब था उस गरीब की वास्तविक गरीबी को दूर करके उसे मुख्य धारा से जोड़ना और ये सुनिश्चित करना कि हर लाभार्थी को जो लाभ देना है सरकार की तरफ से उस तक पहुँचे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही नहीं, स्वयंसेवी संस्थाएं भी और आम नागरिक भी आज मोदी जी के विजन के साथ हैं, मोदी जी की नीतियों को सराह रहा है। और आज हम अगर देखें योजनाओं की बात करें तो सुबह से शाम नहीं दिन बीत जाएंगे, वो योजनाएं जो आम गरीब को मध्य में रखकर बनाई गई है और उसका फ़ायदा उस तक पहुँच रहा है, यही एक कारण है कि जो 135 करोड़ का देश है, जो एशिया में अभी तक अपनी जगह नहीं बना पाया था, वो इस नेतृत्व का कमाल है कि विश्व के 10 बड़े नेताओं में शुमार है माननीय मोदी जी। और आज भारत ही नहीं विश्व के कई देशों में माननीय मोदी जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है, क्योंकि उनकी सोच भारत को आगे बढ़ाने की है, आत्मनिर्भर भारत की तरफ ले जाने की है और सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। पूनम गुप्ता जी ने जो ये पहल करी है महिलाओं को ध्यान में रखते हुए कि इनको स्किल इंडिया के तरीके से डेवलप करें, क्या बहुत अच्छी सोच है, क्योंकि हमारी आधी आबादी हम सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं, जहां माता को शक्ति स्वरूप माना जाता है और वास्तविक शक्ति है जब वो स्किल्ड हो जाए। और इसीलिए स्किल इंडिया भी हमारी सरकार का नारा है और माताएं जब खुद आत्मनिर्भर भारत में अपना योगदान देंगी तो देश का परचम न केवल विश्व में फहराएंगी बल्कि जो आत्मनिर्भरता हमारी जीन में है वो भी आगे बढ़ेगी। सिलाई सेंटर की जो शुरुआत है किस वजह से करेगी और क्या क्या लाभ मिलेगा लोगों को? देखिए, आज हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी का 71st बर्थडे है, तो उनका जो सेवा और समर्पण का जो भाव था उसी भाव को ध्यान में रखते हुए मैं पूनम गुप्ता, जिला महामंत्री महिला मोर्चा नई दिल्ली, हम लोगों ने आज एक सेंटर चलाया है जिसका नाम है सेवा और समर्पण निःशुल्क सिलाई केंद्र। ये एक ऐसा सिलाई केंद्र है जो कि रविदास मंदिर में खोला गया है, जो हौजरानी के बिल्कुल बीचों बीच मेन रोड पर मैक्स साकेत हॉस्पिटल के ऑपोजिट है। यहाँ पर हमने आज 6 सिलाई मशीन्स को डोनेट किया है, 3 सिलाई मशीन्स हाथ की हैं और 3 सिलाई मशीन्स पैरों वाली हैं। अभी तक हम लोग 54 महिलाओं का इसमें रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। इसका एक प्रॉपर करिकुलम हमने बनाया है जिसके तहत हमारे मास्टर जी हैं, हमारे टीचर्स हैं और हमारे यहाँ पर पूरी व्यवस्था हमने की है, जिसमें कि वो लोग उनको उस पैटर्न के हिसाब से उन्हें सिखाएंगे।
इसको सिखाने के साथ साथ हमारा ये पूरा कोशिश है कि हम उनको जितने भी लोग हमारे यहाँ से सीखें, अगर वो रोज़गार लेना चाहते हैं तो हम प्रधानमंत्री मोदी जी को फॉलो करते हुए पहले उनको आत्मनिर्भर बनाकर फिर उनको रोज़गार दिलाने में भी हमारी पूरी कोशिश रहेगी। तो यहाँ पर क्या क्या कौन सिखाने के लिए कौन लोग आएंगे? सिखाने के लिए हमारे यहाँ पे मास्टर जी हैं। मास्टर जी वो हैं जो पिछले 22 वर्षों से ऑलरेडी मेरे साथ काम कर रहे हैं और वो यहाँ के लोकल हैं, तो उन्हें पता है कि मतलब उनको आने जाने में रूट में डिफिकल्टी ना हो, तो ये हफ्ते में 2 दिन ये सेंटर चलाया जाएगा।